भगवान के अगले अवतार का हेतु है प्रताप भानु का चरित्र। प्रताप भानु को ब्राह्मणों का श्राप मिला, वो भी एक भगवान के अवतार का हेतु हुआ। इस प्रकार भगवान के अनेकों अवतार के हेतु हैं। भरद्वाज जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से कि हे मुनिवर, भगवान के अवतार के हेतु अनेकों हैं। भगवान शंकर ने मां पार्वती से जो बताया सो मैंने तुम्हें कहा। वही जो जलंधर था, अगले जन्म में रावण बना, वही जो जय विजय थे, वही रावण और कुंभकर्ण बने। विश्रवा मुनि के घर में कैकेयी नाम की माता के गर्भ से रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ। विश्रवा मुनि की कई पत्नियां थीं, कैकेयी नाम की जो पत्नी थी उसके गर्भ से रावण कुंभकर्ण हुए। राका नाम की एक पत्नी थी, उसके गर्भ से खर दूषण और शूर्पणखा हुए। शूर्पणखा रावण की सौतेली बहन होती है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। विश्रवा मुनि की एक पत्नी थी जिनका नाम था मालिनी, मालिनी के गर्भ से विभीषण का जन्म हुआ। तो एक प्रकार से विभीषण भी उनके सगे भाई नहीं रहे, सौतेले भाई थे। एक पत्नी थी पुष्पोत्कटा, ये महाभारत का प्रसंग है, रावण के जन्म का अलग अलग प्रसंग है। पुष्पोत्कटा नाम की एक पत्नी थी विश्रवा मुनि की, उनके गर्भ से रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ। रावण और कुंभकर्ण दोनों सहोदर थे, विभीषण जी सहोदर नहीं थे, सौतेले थे। रावण अपने आप में दुर्दांत था क्योंकि स्वयं भगवान का पार्षद था और बहुत कठिन तप किया रावण ने। स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, हे काश्यप वरदान मांग लो। तो क्या वरदान मांगे, सोचा, बोला कि हम किसी के द्वारा मारे न मरे, बस बंदर और मनुष्यों को छोड़कर और किसी के हाथ में हमारी मृत्यु ना हो। कि मनुष्य को और बंदर को तो सामान्य समझता था। कुंभकर्ण के पास ब्रह्मा जी गए, पुत्र वरदान मांग लो। कुंभकर्ण इतना भूखा, वो चाहता था कि हम खाते ही रहें। भगवान ब्रह्मा जी ने देखा कि अगर ये भोजन मांगता रहा तो सारी दुनिया को दो दिन में खा लेगा। उसकी बुद्धि में मां शारदा ने जाके ऐसी मति फेर दी कि 6 महीने में एक दिन अन्न, एक दिन आहार करेंगे, बाकी दिन निद्रा। 6 महीने में एक दिन जगेगा और उसी दिन आहारा करेगा, बाकी सोता रहेगा। विभीषण के पास गए ब्रह्मा जी, बोले उन्होंने हरि भक्ति मांगी। और ब्रह्मा जी गए निज धाम में, इधर रावण आए। रावण ने आकर के चारों ओर खलबली मचा दी, सारी दुनिया को जीत लिया। मैं दानव की पुत्री जिसका नाम था मंदोदरी, उसके साथ रावण का विवाह हुआ। कुंभकर्ण का विवाह हुआ विरोचन की पौत्री वज्रज्वाला के साथ, और गंधर्व राज शैलूष की पुत्री शर्मा के साथ विभीषण का विवाह हुआ। रावण ने दिक दिगंत चारों और अधर्म ही अधर्म व्याप्त कर दिया। बड़ा वेदवादी था, वेदांत को जानता था, ज्ञानी था, ज्ञानी शिरोमणि था, ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। एक सूत्र याद रखना, केवल ज्ञानी जो बनते हैं ना, ज्ञानी भटकते हैं,
बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। ज्ञान और भक्ति में ये अंतर है, ज्ञानी केवल थ्योरी जानता है, चीजों को समझता है, लेकिन भक्त प्रैक्टिकल होता है, व्यवहारिक होता है। जीवन में ज्ञान जितना अनिवार्य है उससे 100 गुना ज्यादा भक्ति अनिवार्य है। आज समाज में क्या हो रहा है जरा देखिए तो, चारों ओर जो पाप का प्रचार हो रहा है, चारों ओर पाप व्याप्त हो रहा है, इसके पीछे यही कारण है कि लोग ज्ञानी ज्यादा हो गए, विवेक शून्य हो गए और भगवान की भक्ति कोई करता नहीं। आज समाज में जितने पढ़े लिखे लोग हैं अगर वो भक्ति के मार्ग में आ जाते हैं ना, दुनिया में दोबारा से स्वर्ग नहीं वैकुंठ उतर आएगा। बोलो जय श्री राम। आज आवश्यकता है विभीषण की तरह भक्त बनने की। रावण ज्ञानी है, विभीषण भक्त है। पर मैं बता दूं, आजकल लोग विभीषण को बड़े ताने मारते हैं। वो लोग सुन ले जो विभीषण को गलत कहते हैं। विभीषण ने कोई गलत नहीं किया रावण के साथ, दुनिया में कुछ भी आख्यान बना दें, उल्टे सीधे कुछ भी मुहावरे बना दें, वो तो बन ही जाता है, दुनिया में क्या है, भेड़ चाल है। विभीषण ने कोई गलत नहीं किया रावण के साथ, 100 बार समझाया है रावण को। और सुनो, कथा पंडाल के भीतर बैठकर के भगवान का भजन करना तो बहुत आसान है, वृंदावन में जाकर राधे राधे कहना भी बहुत आसान है, अयोध्या में जाके राम जी को याद करना कोई कठिन नहीं है, और काशी में जाके विश्वनाथ को हर हर कहना कोई कठिन नहीं है। कठिन तो वह है जहाँ पर चारों और अधर्मी लोग बैठे हों, अधर्मियों के बीच में सुबह शाम हिंसा होती हो, चोरी होती हो, बलात्कार होता हो, ऐसे पापियों के बीच में रह करके भी राम राम श्री राम जय जय राम कहना ये बहुत कठिन है। इसलिए विभीषण को महान भागवत कहा गया है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भजन करना, अगर आपके जीवन में अनुकूल वातावरण मिल जाए और आप भजन कर लो, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं उठा लिया आपने। माताजी भजन आनंदी थी, दादाजी भजन करते थे, पिताजी ने हाथ पकड़ के भगवान के पास जाने का रास्ता तय कर दिया, आप भक्ति में रम गए, ये आसान काम है। घर के चारों ओर रावण घूम रहे हों, चारों ओर अत्याचारी और दुराचारी और पापी लोग बैठे हों, और आपके घर के बाहर तुलसी का बिरुवा हो, और आपके घर के बाहर राम राम के शब्द लिखें, और सुबह शाम भगवान का भजन करो। लंका में रहकर भजन करना ये बहुत बड़ी चुनौती है, और विभीषण ने ठोक कर भजन किया लंका में रहकर। चारों ओर पापी हैं तो पापियों को रहने दो, लेकिन भजन तब भी करूँगा। जीवन में जब प्रतिकूल परिस्थितियां हो उस समय भी यदि आप माला फेरो तो जानो आपको आप भक्त हो। जीवन में चारों ओर परिस्थितियां हो, कोई ऐसा माहौल न हो आपके जीवन में भगवान का भजन करने का, फिर भी भजन करो तो आप भक्त हो। इसलिए महापुरुषों ने 12 महान भागवतों में विभीषण का नाम गिनाया। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकसौनक भीष्मदाल्म्यान रुक्मांगदार्जुन विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। विभीषण को महान भागवत कहा, और ये सच है। रावण पापी है, ज्ञानी है, पढ़ा लिखा है, वेदों का ज्ञाता है, आचरण शून्य है। शास्त्रों में ये कभी नहीं कहा कि विभीषण पढ़ा लिखा है, विभीषण कोई वेदों का ज्ञाता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन विभीषण महान भागवत है। तो जीवन में चीजों को जानना अलग बात है, चीजों को अपनाना अलग बात है, भगवान को जानना अलग बात है, और भगवान को भजना बिल्कुल अलग बात है। भगवान को भजो तो हर ज्ञान का सार मिल जाएगा, भगवान को न भजा तो कुछ भी पढ़ लिया जान लिया कुछ नहीं, धूल है वो सब।